सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं विनोद शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी व्हीकल्स को जिगजैग वे में कैसे रन करा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना पावर पॉइंट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो ये आपको स्लाइड दिख रहा है इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको न्यू स्लाइड पर क्लिक करना है और एक ब्लैंक स्लाइड ले लेना है। स्लाइड पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाना है। कलर वगैरह हम थोड़ा चेंज कर देंगे, तो हम कोई सा भी कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने ये कलर ले लिया, उसके बाद हमने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद सब क्लोज कर देंगे। और उसके बाद हमें इंसर्ट मेन्यू पर जाना है। इंसर्ट मेन्यू पर जाने के बाद आपको क्लिप आर्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको उस ऑब्जेक्ट को सर्च कर लेना है या फिर उस व्हीकल्स को सर्च कर लेना है जैसे व्हीकल्स को आप रन कराना चाहते हैं। जैसे हमें कार को रन कराना है तो यहाँ पर हम कार लिखेंगे और गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने गो वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर तीन कार आ गया। आप अपने हिसाब से जो कार आपको अच्छा लगे आप वो चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद आपको क्लिप आर्ट वाले टैब को क्लोज कर देना है और उसके बाद कार को थोड़ा आप सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं। हमने थोड़ा सेट कर लिया और उसके बाद आपको एनिमेशन वाले ऑप्शन पर जाना है। एनिमेशन वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करना है और कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद आपको एड इफेक्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको मोशन पाथ पर जाना है। मोशन पाथ पर जाने के बाद ड्रा कस्टम पाथ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जिस भी पाथ में आप कार को रन कराना चाहते हैं उस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। आप सीधे लाइन में ड्रा करना चाहते हैं तो लाइन वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। थोड़ा कर्व में घुमाना चाहते हैं कार को तो कर्व वाले ऑप्शन को लेंगे और फ्री फॉर्म कहीं भी रन कराना चाहते हैं तो आपको फ्री फॉर्म वाले ऑप्शन पर जाना होगा, तो हम फ्री फॉर्म वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। और उसके बाद माउस का आइकन प्लस आइकन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन को कार के जस्ट सामने रखना है। उसके बाद आपको लेफ्ट क्लिक को दबा कर रखना है। उसके बाद पाथ को ड्रा करना है। यहाँ पर हम ड्रा कर ले रहे हैं अपने हिसाब से जैसा भी हम रन कराना चाहते हैं। ड्रा करने के बाद आपको लेफ्ट वाले क्लिक को दो बार क्लिक करना है, कार रन हो जाएगा। और उसके बाद मैं आप सभी को प्ले करके भी दिखा देता हूँ F5 से। ये देखिए, जैसे ही हमने पाइप प्रेस किया उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। ये देखिए रन हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।